बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली 8 मार्च को हम औरतों का आलमी दिन मनाते हैं, और इस साल जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने नालसा के साथ ताउन करके ये जो पूरा हफ्ता है इसको बतौर औरतों का आलमी हफ्ता मनाने का जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया। तो इसका मकसद ये है कि जो भी औरतें हैं उनको लीगल अवेयरनेस, उनकी कानूनी बेदारी की जाए ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले, और अगर वो राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, अगर वो उनके जो हकूक़ हैं पामाल होते हैं, तो उनको किस तरीके से अपने राइट्स का रिड्रेसल सीख करना है। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बहरा में, ताकि हम यहाँ पर होम मेकर्स आई हैं, यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर जो औरतें काम करती हैं वो आई हैं, यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आए हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी से आए हैं, ताकि हम इनको इनके जो कानूनी हकूक हैं उनके बारे में बता सकें। तो मैम, अक्सर बेशतर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, इस दिन के हवाले से क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए? जी देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जिनमें जो कि एक मैं कहूँगी एक बेहतरीन ही कानून है औरतों के तहफ़ के लिए, जिसमें औरतों को हर किसी किस्म का तहफ़ दिया गया है। अगर उनके साथ चाहे इकोनॉमिक वायलेंस होती हो, चाहे उनके साथ फिज़िकल वायलेंस होती है या मेंटल वायलेंस होती है, तो उसकी चारागोई होती है, उनको कोर्ट में आना है। उनको अगर औरतों को तो फ्री लीगल एड भी मिलता है, लॉयर भी मिलता है, तो हम उनको वो मुहैया करके अगर उनके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हुई है उनके जो उसका हम अजाला कर सकते हैं। और उसमें कुछ इंटरिम मेजर्स भी होते हैं, जैसे अगर उनको रेजिडेंस, अगर उनको घर से निकाल दिया गया है तो हम उनको रेजिडेंस का राइट देते हैं। अगर उनको मतलब जैसे उनका खर्चा वगैरह वो दे सकते हैं, अगर मार पड़ी है तो उसमें जो कंपनसेशन है वो दे सकते हैं, और वो बिल्कुल वो कहते हैं ना तुरंत इमिजिएटली उनको वो चीज़ें मिलती हैं। इस प्रोग्राम को ताउन करने के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महिलाओं का किस तरह का ताउन मिला? बहुत अच्छा जो हमारा आज प्रोग्राम था ये वन साइडेड प्रोग्राम नहीं था। बिल्कुल, जो औरतें आई हैं उन्होंने अपने जो उनके साथ जातियाँ होती हैं उसकी बात की, या उनको जो इंस्टीट्यूशन से कुछ शिकायतें हैं कि जल्दी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, काफ़ी तवालत होती है, तो उस बारे में बात करके हमें लगा कि कुछ जो वुमेन हैं वो अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, उनको थोड़ा और मतलब इंस्टीट्यूशंस के बारे में कैसे उनको अप्रोच करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर मिले तो वो अपने जो हकूक हैं उनका तहफ़ करने के लिए भरपूर कोशिश। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनाज है, मैं सोशल वर्कर हूँ, स्पेशल सेल्फ हेल्प वुमेन, वुमेन पुलिस स्टेशन अनंतनाग से। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हम लोग दो सोशल वर्कर्स हैं जो प्लेस्ड है वुमेन पुलिस स्टेशन में। हम तीन टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वुमेन को, साइको सोशल लीगल सर्विसेज। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लीगल सपोर्ट में हम उनको दलसा के साथ लिंक करते हैं ताकि उनको एक फ्री लीगल एड मिले। सोशल सपोर्ट में हम उनको सोशली जो भी उनको ज़रूरत हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सोशल सपोर्ट में अपने मायके वाले सपोर्ट नहीं करते, या फिर उनको कोई रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हो। और हम कोशिश करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ उनको हम लिंक कराएं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, जहाँ पे वुमेन ने अपनी क्वेरीज रखी, जिनको जो भी क्वेरी थी कि उनको कुछ पूछना था कि उनके राइट्स के बारे में, या किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ था तो उसके बारे में डिस्कस करना था, तो मुझे लगता है बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा। एक्चुअली यहाँ पे जो तहसील लीगल सर्विस कमेटी के चेयरपर्सन थे, वहाँ के कुछ लॉयर्स भी आए थे, तो उन्होंने डिस्कस किया कि हाँ इंसाफ मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, इन सब इस प्रोसेस में टाइम लगता ही है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कोई आएगा तो वहीं से मतलब उसी टाइम पे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो मैम, अभी आपको पूरा देश देख रहा है, क्या संदेश रहेगा? काफ़ी सारे महिलाएँ हैं जिनके साथ जाति हो रही है, उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहरबानी करके अपनी वॉइस रेज करें, वायलेंस के बारे में बात करें। अनटिल एंड अनलेस आप खुद बात नहीं करोगे, आपके बिहाफ पे कोई बात नहीं करेगा। तो क्या इनको आना चाहिए आप लोगों के पास? बिल्कुल आए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हुई है ये जो सर्विसेज रखी हुई है, तो ये रखी हुई है पब्लिक के लिए। अनटिल एंड अनलेस वो लोग इसको अवेल नहीं करेंगे, सर्विसेज को अवेल, तो फिर कोई फायदा ही नहीं ना हमारे होने। तो क्या इस तरह के प्रोग्राम्स अनंतनाग के अपर रीजन में या साउथ कश्मीर के अपर रीजन में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है? बिल्कुल, रिसेंटली डलसा की तरफ से ही इधर वर्ल्डो में एक प्रोग्राम हो
गया और बिजबिहारा में है और अशमुकाम में है, ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रिक्स तहसील लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर कोई भी आपसे रابطہ करना चाहते हैं, क्या आपको ऑफिस कहाँ पे है या कोई कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हो जो वो आपसे रابطہ करें? मैं फिर से बोलूंगी, हम लोग स्पेशल सेल्फर वुमेन वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारा ऑफिस है। ये कहाँ? सदर अनंतनाग? हाँ, सदर पुलिस स्टेशन जो है वहाँ के अंदर वुमेन पुलिस स्टेशन है, अंदर गेट के अंदर, तो वहीं पे वो आ सकते हैं, हम हमारे साथ बात कर सकते हैं, जो भी उनके मसाइल होंगे हम सुनने की। तो क्या 24 घंटे आप लोग अवेलेबल होते हैं? हम लोग 9:30 से 4:30 तक होते हैं हफ्ते में, मंडे टू सैटरडे, संडे को हमारा ऑफ होता है। शुक्रिया, थैंक यू। आइए सर, आपका भी लेंगे।